टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 7.6। अगर मैं इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट की बात करता हूं, द कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये है क्या और कहाँ अप्लाई किया जाता है, पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक इंटीग्रेशन दिया ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स। और पहले आप ये देखो क्या इसमें मेथड वन अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मेथड वन में क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डायरेक्ट इंटीग्रल्स नहीं अप्लाई हो सकता, तो मेथड वन आपका फेल हो। फिर हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, तो क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। साइन एक्स और ई रेस टू पावर एक्स में तो कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, सेकेंड मेथड भी फेल हो गया। फिर हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज, जो आपने 7.3 में किया था, यहाँ पर कोई आइडेंटिटीज आप अप्लाई नहीं कर सकते, थर्ड मेथड भी फेल। फिर जब हम फोर्थ एक्सरसाइज में आए तो हमने कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स किए थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई भी स्पेशल इंटीग्रल्स वाली फॉर्म यहाँ पर नहीं बन रही, तो मेथड फोर भी फेल हो गया। फिर आपने पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का भी पार्शियल फ्रैक्शन भी हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो जो पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट है वो भी यहाँ आके फेल हो। तो अभी तक जितने भी चीजें आप पढ़ चुके हो, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, प्रीवियस फाइव एक्सरसाइज में जो भी हमने सीखा है वो सारे मेथड्स यहाँ के क्या हो गए हमारे फेल, सारे मेथड्स क्या हो गए हमारे फेल। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में कैसे आगे बढ़ा जाए? ऐसे क्वेश्चन में देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शन, दो डिफरेंट फंक्शन से मेरा क्या मतलब है, ये जो ई रेस टू पावर एक्स है आपका, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये जो साइन एक्स है आपका, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और दोनों प्रोडक्ट में है, तो जैसे कि आप जब हम डेरिवेटिव्स हमने पढ़ा था, तो डेरिवेटिव्स में हमने एक रूल पढ़ा था जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, वहां भी कुछ ऐसा होता था। तो डिफरेंट फंक्शंस होते थे, एक फंक्शन को हम यू लेते थे, एक को वी लेते थे, फिर हम डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यही होता था हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या करते थे हम, जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे तो क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही होता था प्रोडक्ट रूल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या पार्शियल इंटीग्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये आपका प्रोडक्ट रूल होता है आपका इंटीग्रेशन, आप इसको ऐसे समझो। अब क्या होता है ये, अगर मैं रूल की बात करता हूं, तो जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हम अपने गिवन इंटीग्रेशन को दो डिफरेंट फंक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है फर्स्ट फंक्शन और एक होता है सेकंड फंक्शन, एक होता है फर्स्ट फंक्शन एक होता है सेकंड फंक्शन, जो दो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि देखो, जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे तो उसमें दो से ज्यादा फंक्शन भी प्रोडक्ट में हो, चाहे यू वी एक्स हो जाए, यू वी एक्स डब्ल्यू हो जाए, हम इन सभी को प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक पर अप्लाई करेंगे बाकी एज इट इज, फिर दूसरे पर अप्लाई करेंगे बाकी फंक्शन एज इट इज, थर्ड में अप्लाई करेंगे बाकी फंक्शन एज इट इज, प्लस फोर्थ में अप्लाई करेंगे बाकी फंक्शन एज इट इज। बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो होता है इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन।
जब दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा तभी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई कर सकते हो, दो से ज्यादा में नहीं होगा। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको, राइट। अब ये रूल कैसे अप्लाई किया जाता है ये समझो। देखो, जब दो डिफरेंट फंक्शन होते हैं तो स्टेप वन क्या होता है, आपको गिवन टू फंक्शन को, आपको गिवन टू फंक्शंस को फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड करना है। एक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन लोगे, एक को आप क्या लोगे, सेकंड फंक्शन लोगे। एक को आप फर्स्ट लोगे, एक को सेकंड लोगे। कैसे लोगे, बाय यूजिंग आई लेट। इस वर्ड का यूज करके हम गिवन फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड करेंगे। डेरिवेटिव्स की तरह नहीं है कि किसी को भी यू ले लिया, किसी को भी वी ले लिया और प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। इसमें आपको एक ऑर्डर के साथ आपको चलना होता है। अब ये ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर किस तरह से फॉलो करते हैं, ऑर्डर फॉलो किया जाता है इस वर्ड से आई लेट। इसमें आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं इसमें एक वर्ड और ऐड करूंगा, आई लेट सी। थोड़ा पंजाबी में आ गए हम, आई लेट सी, ठीक है। इसमें जो सी होता है ये कांस्टेंट होता है, राइट। सी क्या होता है हमारा, ये कांस्टेंट होता है। तो आई क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन। एल क्या हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन। टी क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और सी क्या हो गया, कांस्टेंट। सी क्या हो गया, कांस्टेंट। अब जो भी आपको इंटीग्रेशन गिवन होगा आप इस ऑर्डर का यूज करके फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा एग्जांपल है ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। अब आप इस ऑर्डर में देखो, देखो साइन एक्स हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अगर आप इस वर्ड में देखो तो पहले क्या आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो टी आपका फर्स्ट फंक्शन होगा। फिर क्या आ रहा है, ई, ई आपका सेकंड फंक्शन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया अल्जेब्रिक फंक्शन, लॉग एक्स हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। अब आई लेट सी, तो पहले क्या आ रहा है आपका, ए नहीं, पहले आ रहा है आपका एल। एल आपका होगा फर्स्ट फंक्शन और ए आपका होगा सेकंड फंक्शन। तो ये समझ में आ गया कि किसको फर्स्ट लेना, किसको सेकंड लेना है, वो किस पर डिसाइड होता है, वो इस वर्ड से डिसाइड करते हैं, आई लेट सी, ठीक है। जैसे कि मान लो वन इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, अब इसमें वन क्या है आपका, कांस्टेंट, और साइन इनवर्स एक्स क्या है आपका, आई। अब वन का क्या यूज होगा ये सब सोचने की जरूरत है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ ये समझो कि रूल कैसे अप्लाई करना, ठीक है। तो कांस्टेंट तो हमेशा लास्ट में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन होगा और साइन इनवर्स एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन होगा। तो यहां तक आपने ये समझ लिया कि जो दो डिफरेंट फंक्शन होते हैं उसमें से किसको फर्स्ट लेना और किसको सेकेंड लेना, किसको फर्स्ट लेना और किसको सेकेंड लेना, राइट। अब रूल है क्या है, ये रूल कहता है अगर दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो आप क्या करोगे, आप अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये जो आई है वो किसके इक्वल होगा, बाय दिस रूल आई विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड,
माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड देन होल इंटीग्रेशन, दिस इज द रूल. फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है. तो मैं इस रूल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, इससे मैं बार बार इसको ना लिखना. ये हमारा रूल हो गया कॉपी, ठीक है. तो समझ में आ गई सारी चीजें, ठीक है. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब आप ये देखो, यू कैन सी दैट नाउ वी हैव गॉट टू डिफरेंट फंक्शन. ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है. ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये लिखा आपने, ठीक है. अब इसमें आई लेट, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ये पहले आता है, और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा, टी बाद में. इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, बाय इंटीग्रेशन, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो ये जो मेरा आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एस, फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एस. तो आपने लिखा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, या फिर पहले मैं रूल लिख ही देता हूं इससे आप रिलेट कर पाओ. तो ये रूल अब हम अप्लाई करें, राइट. तो आप देखो, फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एस, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, साइन एक्स डी एक्स. माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो आपने एक्स का डेरिवेटिव कर दिया. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन एक्स डी एक्स, देन होल इंटीग्रेशन, क्लियर हो गया, ठीक है. तो आई विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स एंड देन डी एक्स, राइट. तो आई विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स डी एक्स. तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, आई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ में आ गया. तो डिफरेंट फंक्शन होते हैं तो हम कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें एक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, सॉरी दूसरे फंक्शन को हम क्या लेते हैं, सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट और सेकंड कैसे डिसाइड करते हैं, आई लेट सी, इस वर्ड से डिसाइड किया जाता है. अल्फाबेटिकली जो वर्ड पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और जो वर्ड बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है. आई होप यहां तक आपको सारे क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू. अब कैसे आगे बढ़ेंगे, देखो फिर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज इक्वल टू एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स, राइट. नाउ आई ले, तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा हमारा, एक्स हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो साइन थ्री एक्स क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ए आपका पहले आ रहा है, टी बाद में आ रहा है, इसका मतलब जो एक्स है हमारा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, और साइन थ्री एक्स जो है हमारा वो क्या होगा, सेकंड फंक्शन. इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है. फिर अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स.
दिस इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या होता है रूल, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड देन होल इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन राइट। इट मीन्स वॉट, it means I will be equal to first function is as such as that is x integration of second sine 3x dx minus sine of integration derivative of first integration of second and then whole integration. So I will be equal to what, I will be equal to x sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 3x by 3 माइनस sin ऑफ इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, sin 3x का क्या होगा माइनस cos 3x by 3 एंड देन dx, देन I will be equal to what माइनस x cos 3x by 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन बाय थ्री कॉस थ्री एक्स डी एक्स, सो आई विल बी इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस वन बाय थ्री कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थ्री एक्स बाय थ्री प्लस, तो आई विल बी इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री x cos 3x plus 1 by 9 sin 3x plus c. अब इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें एक स्टेप अगर आप और करना चाहो तो 1 by 3 कॉमन ले सकते, 1 by 3 कॉमन लेके मैं इसको लिख सकता हूं 1 by 3 sin 3x minus x cos 3x plus c and this is the final answer of this question. Okay, now the next question is question number 3. First of all, I is equal to x square e raised to power x dx. Now, by I let, देखो x square जो है आपका that it is an algebraic function, but e raised to power x जो हमारा वो exponential function, right? तो a पहले आता है, तो ये हमारा first function होगा, but e raised to power x हमारा क्या होगा? सेकेंड फंक्शन, यहां तक क्लियर है सारी चीजें राइट। देन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करोगे दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स राइट। Okay. Now first function is as such as first function. जो हमारा first function है वो क्या है? हमारा first function है x square और second function क्या है? E raised to power x. It means what? It means I will be equal to x square is as such as e raised to power x dx minus sine of integration derivative of first that is x square. Integration of second e raised to power x dx and whole integration. It implies what? I is equal to x square e raised to power x ka integration kya hoga? E raised to power x minus sine of integration x square ka derivative kya hoga? 2x. Then e raised to power x ka integration agar main karta hu to e raised to power x hi hoga and then dx. Ab aap ye dekho,
अगेन वी हैव टू डिफरेंट फंक्शन, अगेन वी हैव टू डिफरेंट फंक्शन. दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इट मीन्स व्हाट? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स माइनस. फिर हम यहां पर क्या करेंगे, टू को हम बाहर ले लेते हैं, राइट. अब इतने पोर्शन पे फिर मैं आईलेट अप्लाई करूं, तो फर्स्ट फंक्शन इज एस एच एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड देन होल इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन. तो व्हाट वी विल हैव, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स माइनस टू एक्स ई रेस टू पावर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन इंटू ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स. तो व्हाट वी विल हैव नाउ, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स माइनस टू एक्स ई रेस टू पावर एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी. अब यहां से देखो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक ई रेस टू पावर एक्स कॉमन, बट वी विल हैव नाउ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस सी एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर एंड द क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट एक्स लॉग एक्स. एक्स होता है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, लॉग एक्स होता है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन. तो अगर मैं आईलेट का कंसेप्ट अप्लाई करता हूं तो पहले देखो क्या आएगा, एल, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, फिर आएगा एक्स दैट इज सेकेंड फंक्शन, राइट. देन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, व्हाट वी विल हैव नाउ, सीधा कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब आप ये देखो कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, अवर फर्स्ट फंक्शन इज लॉग एक्स, अवर फर्स्ट फंक्शन इज लॉग एक्स और सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, एक्स, राइट. इट मींस व्हाट, इट मींस आई इज इक्वल टू लॉग एक्स इज एस एच एस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स टी एक्स एंड देन होल इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन. व्हाट वी विल हैव नाउ, लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाय एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स, इट विल बी इक्वल टू डी एक्स. Now x and square will be cancelled out, but we will have 1 by 2 x square log x minus sine of integration. ये हो जाएगा 1 by 2 और ये हो जाएगा हमारा x, right? Then I is equal to 1 by 2 x square log x minus half. X का integration क्या हो जाएगा, x square by 2 plus c. That can be written as I is equal to half x square log x minus x square by 4 plus c. एक स्टेप अगर आप और करना चाहते हो, वैसे तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, आप x square by 2 कॉमन ले सकते, इट विल बी log x minus 1 by 2 plus c. राइट, आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Okay. Now next question is we have to integrate I is equal to x log 2x dx. Okay. So first of all, by applying the concept of Euler, ये हमारा L है, logarithmic function है, ये हमारा algebraic function. तो L पहले आता है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा एंड दिस विल बी अवर सेकंड फंक्शन, राइट. नाउ अप्लाइंग
इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जब हम अप्लाई करेंगे, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, राइट। अब आप ये देखो, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, लॉग टू एक्स, और जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो क्या है, एक्स, राइट। इट मीन्स व्हाट, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एस लॉग टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स लॉग टू एक्स डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मीन्स एक्स डी एक्स एंड देन होल इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन, सो आई विल बी इक्वल टू लॉग टू एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लॉग टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी वन बाय लाइक लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स होता है, तो लॉग टू एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाय टू एक्स, फिर टू एक्स का क्या हो जाएगा, टू, राइट, देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर बाय टू एंड देन डी एक्स, नाउ टू एंड टू विल बी कैंसिल आउट, एक्स एंड स्क्वायर वैल्यू विल बी कैंसिल आउट, व्हाट वी विल हैव नाउ, I is equal to 1 by 2 x square log 2x minus sine of integration. देखो 1 by 2 को हम बाहर कर देते हैं. We are left with x dx. So finally what we will have now? I is equal to half x square log 2x minus half x का integration क्या होगा? x square by 2 plus c. Right? So finally what we will have, देखो x square by 2 हम common भी ले सकते हैं, but we will have now log 2x minus half plus c, and this is the final answer of this question, right? Now our next question is question number 6. I is equal to x square log x dx. Now log x is a logarithmic function and x square is an algebraic function. So by applying the concept of I lay, L पहले आ रहा है, तो ये हमारा first function हो गया. Algebraic function हमारा क्या हो गया? Second function, right? What we will do now, applying applying integration by parts, applying integration by parts, the formula kya hota hai hamara, this is the formula, right? Ab aap ye dekho, yahan pe jo first function hai uski jagah hum kya likhenge, log x, aur jo hamara second function hai uski jagah hum kya likhenge, x square, right? तो आई किसके इक्वल होगा, फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड देन होल इंटीग्रेशन, राइट। नाउ आई विल बी इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय थ्री एंड देन होल इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। अब देखो एक्स से ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सो व्हाट वी विल हैव नाउ, आई विल बी इक्वल टू वन बाय थ्री एक्स क्यूब log x minus 1 by 3 x square dx, ये इस तरह से हो जाएगा हमारा, so I is equal to 1 by 3
एक्स क्यूब लॉग एक्स माइनस 1/3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी, राइट। अगेन हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब बाय थ्री को कॉमन ले सकते हैं, बट वी विल हैव नाउ लॉग एक्स माइनस 1/3 प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज इक्वल टू लॉग एक्स डी एक्स, राइट। अब देखो बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ आई लेट, ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन और ये हमारा हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। तो पहले क्या आ रहा है एल, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकंड फंक्शन। देन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, व्हाट वी विल हैव नाउ, दिस इज द कंसेप्ट, राइट। अब आप ये देखो कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, फर्स्ट फंक्शन की जगह हम क्या लिखेंगे log x, और सेकंड फंक्शन को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x स्क्वायर, राइट। सो व्हाट वी विल हैव नाउ, I इज इक्वल टू log x, दैट इज फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड देन होल इंटीग्रेशन। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय थ्री, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय एंड देन डी एक्स, राइट। सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बट वी विल हैव नाउ आई इज इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब लॉग एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, बट वी विल हैव नाउ 1/3 एक्स क्यूब लॉग एक्स माइनस 1/3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी। फाइनली वी कैन से दैट आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय थ्री, अगर मैं कॉमन लेता हूं विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस 1/3 प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। वी हैव टू इंटीग्रेट एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब यहां पर जो दो डिफरेंट फंक्शन है वो क्या है, देखो ये आपका इनवर्स फंक्शन एंड दिस वन इज अलजेब्रिक फंक्शन। तो बाय कंसेप्ट ऑफ आइलेट आई कैन से दैट साइन इनवर्स एक्स इज माय फर्स्ट फंक्शन और एक्स हमारा क्या होगा, सेकंड फंक्शन, राइट। देन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड देन होल इंटीग्रेशन, यही होता है, राइट। अब अगर आप यहाँ कंपेयर करो तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो क्या है, दैट इज एक्स, राइट। कैन आई से दैट आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एस दैट इज साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स टी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स,
देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज एक्स डी एक्स एंड देन पोल इंटीग्रेशन। अब तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू एंड देन पोल इंटीग्रेशन दैट इज डी एक्स, दैट इज डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स राइट, माइनस वन बाय टू एक्स स्क्वायर बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें देखो आगे कैसे बढ़ेंगे, आप ये देखो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं माइनस को प्लस कर दू, इट मीन्स मैं माइनस को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स राइट। नाउ आई इज इक्वल टू वॉट, हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ। अब देखो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इस माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस वन कर दू और माइनस वन कर दूंगी, मैंने क्या किया, प्लस वन और माइनस वन अपॉन में एज इट इज हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इससे हमें क्या बेनिफिट हो गया, हमें पता है हम न्यूमरेटर को क्या कर सकते हैं, हम न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं, इट मीन्स व्हाट, इट कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ। देखो अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स देन माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इस तरह से आ जाए। ठीक है, अब आप ये देखो इट कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ। अब इसमें वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन है और यहां वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, वन बाय टू, बेस सेम है डिवाइड, तो डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस होती है, तो वन माइनस हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन साइन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स राइट, माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। यहां आपके पास एक नया कंसेप्ट आता है, एक्चुअली ये जो फॉर्म है आपकी ये क्या हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं कंसेप्ट में भी लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय टू, सॉरी एक्स बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, और इट कैन बी रिटन एज, और इट कैन बी रिटन एज एक्स बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स बाय ए होगा तो प्लस आएगा, और कॉस इनवर्स एक्स बाय ए होगा तो क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। ठीक है, इसको याद भी रखना भी बड़ा इजी है, देखो एक्स बाय टू फिर डायरेक्टली एज इट इज लिखना है आपको, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय, और कॉस में क्या करना है आपको, इस प्लस की जगह माइनस कर दोगे तो यही साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। भाई इंटीग्रेशन आपको पता है, जैसे कि हम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालते थे तो क्या होता था, वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करते थे तो वो भी यही होता था, बस साइन का फर्क होता राइट। यही चीज आपको यहाँ फॉर्मूले में है, अगर प्लस के साथ जाओगे तो साइन इनवर्स, माइनस के साथ जाओगे कॉस इनवर्स, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हमें फॉर्मूला अप्लाई कर राइट। अब आप यहाँ देखो, यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन इनवर्स है तो मैं साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले के साथ जाऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू नाउ
राइट इट एज आई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है एक्स बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू, वन का स्क्वायर क्या होगा वन, वन बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ए आपका वन है तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। और फिर क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या होगा आपका दिस इज साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा सी, राइट। या मेंशन कर दोगे दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, राइट। देन आई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाय फोर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। देन आई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाय फोर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेता हूं तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, इफ वी टेक साइन इनवर्स एक्स कॉमन विद इन ब्रैकेट वी विल हैव वन बाय फोर माइनस वन बाय टू और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो बट वी विल हैव नाउ आई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाय फोर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका फोर आ जाएगा, इट इज वन माइनस टू टू जा फोर और प्लस में क्या हो जाएगा सी। देन आई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाय फोर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो ये हो जाएगा माइनस वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, राइट। नाउ व्हाट वी कैन डू, अगर मैं वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेता हूं वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी टू एक्स स्क्वायर बाई टू टू जा फोर तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, राइट। और प्लस में क्या हो जाएगा इसमें से, और इसमें से कॉमन लिया ना वन बाय फोर तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन, प्लस में क्या हो जाएगा एक्स बाय फोर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इन दोनों टर्म से हमने कॉमन क्या ले लिया वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स, तो इस टर्म से क्या बचा टू एक्स स्क्वायर और इस टर्म से क्या बचा पूरे कॉमन ले लिया तो माइनस का प्लस एक्स बाय फोर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके Now our next question is question number 8. Question number 8. First of all, I is equal to x tan inverse x dx, right? Tan inverse x, that is an inverse function. X ho gaya hamara algebraic function. So by the concept of Euler, can I say that this is our first function and this is our second function? Then what we will do, applying integration by parts. Applying integration by parts. This is the formula, right? अब आप यहां देखो जो हमारा first function है वो क्या है tan inverse x और जो हमारा सेकंड फंक्शन है दैट इज एक्स, दैट इज एक्स। कैन आई से दैट आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज एस एच एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट हमारा क्या था, टेन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज टेन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन क्या है हमारा एक्स, दैट इज एक्स डी एक्स, एंड देन पोल इंटीग्रेशन, पोल इंटीग्रेशन नाउ इज इक्वल टू व्हाट, टेन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाय टू एंड देन पोल इंटीग्रेशन, पोल इंटीग्रेशन, सो आई इज इक्वल टू व्हाट, वन बाय टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू एंड दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो यहां हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू ओवर हेयर, प्लस वन कर सकते हैं और माइनस वन कर सकते, प्लस वन कर सकते हैं और माइनस वन कर सकते हैं। अभी पहले भी हमने क्वेश्चन में ऐसा किया था, इससे क्या बेनिफिट होगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, देखो न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस रिमेनिंग पार्ट वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। देन आई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स और माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन इनवर्स एक्स, तो प्लस में क्या हो जाएगा सी, राइट। सो आई इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हाफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो वी कैन टेक हाफ कॉमन, अगर हम हाफ कॉमन लेते हैं व्हाट वी विल हैव नाउ, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन देखो, आई इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स फंक्शन आई एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो बाय द कंसेप्ट ऑफ आइलेट कैन सी दैट कॉस इनवर्स एक्स हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन और ये होगा एल्जेब्रिक फंक्शन, इट इज क्लियर होगी। द नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दिस इज द फॉर्मूला, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। अब आप ये देखो कि जो हमारे फॉर्मूले में फर्स्ट फंक्शन है वो किसको रिप्लेस करेगा, ये रिप्लेस करेगा कॉस इनवर्स एक्स, और जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है हमारा एक्स, राइट। तो कैन आई से दैट आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज दैट इज कॉस इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज एक्स डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा कॉस इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज एक्स डी एक्स एंड देन होल इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन बाय रूट
वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, और ये हो गया हमारा डी एक्स, डी एक्स राइट। आई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये वन बाय टू जो है इसको हम बाहर ले लेते हैं, डिनोमिनेटर वी विल हैव रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स राइट। देन आई इज इक्वल टू वन बाय टू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू। अब देखो यहां हम क्या कर सकते हैं, अगर आप डिनोमिनेटर देखो तो यहां माइनस एक्स स्क्वायर है और न्यूमरेटर में भी हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है। वट वी कैन डू हेयर, प्लस वन और माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स राइट। वट वी विल हैव नाउ, आई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन साइन। देखो न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आइडियली इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस वन राइट। सो व्हाट वी विल हैव नाउ, आई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस हाफ। देखो पावर कितनी है आपकी वन, वन माइनस हाफ कितना हो जाएगा आपका रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी राइट। और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स राइट। नाउ आई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो यहां पर जो आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कॉस इनवर्स एक्स राइट। और ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, एक फॉर्मूला जिसमें हम साइन इनवर्स एक्स अप्लाई करते हैं जिसमें साइन इनवर्स एक्स आता है, और तो दूसरा फॉर्मूला इसमें कॉस इनवर्स एक्स आता है। मैंने कहा था डिपेंड ऑन द क्वेश्चन उसके हिसाब से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें कॉस इनवर्स एक्स की रिक्वायरमेंट है तो बस फर्क क्या होता है, बाकी फॉर्मूला सारे ही सेम होता है। यहाँ प्लस ए स्क्वायर बाय टू है या माइनस ए स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, इट मीन्स माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा एक्स बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू। माइनस क्यों, क्योंकि यहां पर कॉस इनवर्स एक्स है, तो माइनस ए स्क्वायर बाय टू हो गया वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स बाय दैट इज कॉस इनवर्स एक्स। और माइनस का इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स। ये भी समझ में आ रही है, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा हमारा सी। नाउ व्हाट वी विल हैव, हाफ एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ वन बाय टू इंटू टू अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा वन बाय फोर हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस वन बाय फोर एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर राइट। देन व्हाट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन बाय फोर कॉस इनवर्स एक्स, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। ओके देन आई इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाय फोर एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। मैं अगर यहां से कॉस इनवर्स एक्स कॉमन ले लेता हूं विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा वन बाय फोर माइनस वन बाय टू प्लस। सो आई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाय फोर एक्स
रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा फोर, वन माइनस टू और ये हो जाएगा प्लस. तो कैन आई से दैट व्हाट वी विल हैव, आई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स. कॉस इनवर्स एक्स के साथ मैं इसको लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा माइनस वन बाय फोर कॉस इनवर्स एक्स, माइनस वन बाय फोर एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा सी. ये क्लियर हो गया? ठीक है, आई इज इक्वल टू, अब मैं यहां से वन बाय फोर कॉस इनवर्स एक्स कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा वन, माइनस वन बाय फोर एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो आपको इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स रेस टू पावर टू जो है इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते. तो अब क्या करें, हम ये कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, मैं इस फंक्शन को वन से मल्टीप्लाई कर सकता, मैंने इस फंक्शन को क्या कर दिया वन से मल्टीप्लाई कर. अब हुआ क्या, ये जो वन है ये हो गया कॉन्स्टेंट और ये है आपका इनवर्स फंक्शन. तो मैंने आपको बताया था आई लेट सी, आई लेट सी, सी वहां पर कॉन्स्टेंट है और आई आपका क्या है इनवर्स फंक्शन. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और वन हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, बिकॉज वन हमारा क्या है कॉन्स्टेंट. राइट, नाउ व्हाट वी विल डू, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, व्हाट वी विल डू अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जब आप अप्लाई करोगे व्हाट वी विल हैव. अब आप ये देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है, इसमें जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो हमारा है साइन इनवर्स एक्स रेस टू पावर टू और सेकंड फंक्शन हमारा क्या है दैट इज वन. राइट, तो व्हेन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला आई विल बी इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज दैट इज साइन इनवर्स एक्स रेस टू पावर टू, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो फर्स्ट क्या है हमारा साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है हमारा वन डी एक्स एंड देन होल इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन. राइट, सो व्हाट वी विल हैव नाउ, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, साइन इनवर्स एक्स रेस टू पावर टू का डेरिवेटिव, इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा, इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा व्हाट आई विल हैव, इट विल बी टू साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाय रूट वन माइनस एक्स को, राइट, इंटू वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स एंड देन डी एक्स होल इंटीग्रेशन. राइट, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स रेस टू पावर टू माइनस, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो टू को तो हम बाहर कर देते हैं, राइट, ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा डी एक्स, क्या हो जाएगा डी एक्स. नाउ पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी. कैन आई से दैट इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी देन एक्स इक्वल टू साइन टी, इट मीन्स वॉट, इट मीन्स आई विल बी इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स रेस टू पावर टू माइनस टू, देखो साइन इनवर्स एक्स को तो आपने क्या ले लिया टी, एक्स की जगह क्या आ जाएगा साइन टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी साइन टी.
और वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हमारा क्या हो गया डी, ये कुछ इस तरह से बनता है राइट। अब अगेन व्हाट वी विल डू है, वी विल अगेन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हो गया हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई लेट तो पहले क्या आ रहा है ए, तो ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकंड फंक्शन राइट। तो क्या होगा आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स रेस टू पावर टू माइनस टू विद इन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एस दैट इज टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज साइन टी डी टी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड देन होल इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। व्हाट वी विल हैव नाउ आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स रेस टू पावर टू माइनस टू टी साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस टी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा वन साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी और ये हो जाएगा डी टी ये क्या हो जाएगा डी। व्हाट वी विल हैव नाउ आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स रेस टू पावर टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू टी कॉस टी देन माइनस माइनस प्लस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक एक माइनस माइनस क्या हो देखो माइनस टू हो गया ये क्या है माइनस टू इसको मैं सॉल्व करूंगा देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर माइनस टू को अंदर लेके जाते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स रेस टू पावर टू माइनस टू ये क्या हो गया माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन और प्लस में क्या हो गया सी। नाउ व्हाट वी विल हैव आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स रेस टू पावर टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू टी कॉस्ट प्लस क्या हो जाएगा टू टी कॉस्ट राइट टू टी कॉस्ट और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस टू साइन टी प्लस। अब देखो हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी है साइन टी हमें तो एक्स की फॉर्म में आंसर देना है तो साइन टी को तो मैं एक्स लिख सकता हूं और अगर टी होगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ये तो हो जाएगा आपका साइन टी है तो ये हो जाएगा एक्स ये एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा टी होगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो हो रही है कॉस टी की वजह से कि मैं इसको कैसे एक्स में कन्वर्ट करूं क्योंकि कॉस की फॉर्म में तो कोई एक्स की वैल्यू है नहीं। तो अब आप क्या करोगे आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स पावर टू प्लस टू टी क्या मैं कॉस टी को ले सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर टी मैं बिल्कुल ले सकता हूँ माइनस टू साइन टी और प्लस में क्या हो जाएगा सी ये क्लियर हो गया। देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स रेस टू पावर टी टू टी अब टी क्या होगा हमारा देखो टी क्या होगा हमारा टी की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स टी की जगह क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और साइन टी की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर फिर साइन टी पुट एक्स इक्वल टू साइन टी पुट एक्स इक्वल टू साइन टी तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में क्या हो जाएगा तो सारा हमारा आंसर एक्स में कन्वर्ट हो गया तो फाइनल आंसर क्या हो गया आई इज इक्वल टू एक्स आई थिंक ये हमारा फाइनल आंसर ही हो गया है इसको दोबारा लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता दिस इज द फाइनल आंसर आई इज इक्वल टू क्या होगा एक्स साइन इनवर्स एक्स रेस टू पावर टू प्लस टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 आई इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स पर डी एक्स राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वट वी नीड टू डू हेयर पुट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी राइट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट
वन माइनस एक्स को। देखो अगर कॉस इनवर्स एक्स टी के इक्वल है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस, राइट। माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर टी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी। कैन आई से दैट वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस डी टी। तो आई क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, देखो ये जो आपका एक्स है ये किसमें कन्वर्ट हो गया कॉस्ट, तो इसकी जगह तो आ जाएगा कॉस्ट। देन ये जो कॉस इनवर्स एक्स है इसको हमने क्या ले लिया था टी, तो इसकी जगह आ जाएगा टी। और वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस को मैं बाहर कर देता हूं, ये हो गया टी। नाउ वी हैव टू डिफरेंट फंक्शन, नाउ वी हैव टू डिफरेंट फंक्शन, ये हो गया अल्जेब्रिक फंक्शन और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बाय द कंसेप्ट ऑफ आइलेट ये पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, टी बाद में आता है तो ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन, राइट। नाउ कैन आई से दैट द फर्स्ट फंक्शन हमारा उसकी जगह क्या हो जाएगा टी और सेकंड फंक्शन की जगह हम क्या रखेंगे कॉस्ट। What we will have now, I is equal to minus to as it is आ जाएगा. First function is as such as that is t. Integration of second that is cos t d minus sine of integration derivative of first. So derivative of t, right? Integration of second cos t d and then whole integration d t. So what we will have now, I is equal to minus t, cos t का integration क्या होता है sin, minus sin of t का derivative with respect to t that is 1, cos t का integration क्या होगा sin t and dt, right? यहाँ bracket थोड़ा हम change कर देते हैं, यहाँ जो ब्रैकेट आएगा आपका वो ये वाला है, राइट। अब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टी साइन टी, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो फर्दर आई इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस टी साइन टी माइनस कॉस टी प्लस, राइट। अब देखो कॉस टी को तो मैं चेंज कर सकता हूँ, कॉस टी क्या बन जाएगा हमारा एक्स, कॉस इनवर्स एक्स होगा तो वो भी किस टी होगा तो किस में चेंज हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स में। मुझे जो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो हो रही है साइन टी की वजह से, इट मीन्स व्हाट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टी, साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, माइनस में क्या हो जाएगा कॉस टी प्लस। अब टी क्या है हमारा टी, टी जो है हमारा वो किसके इक्वल है कॉस इनवर्स एक्स, तो टी को मैं किससे रिप्लेस करूंगा कॉस इनवर्स एक्स से, कॉस टी हमारा एक्स है तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर कॉस टी हमारा एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा प्लस, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, I is equal to x sec square x dx, right? So first function is देखो I let ये हमारा algebraic function and this one is trigonometric function. तो पहले a आएगा तो ये हमारा first function हो गया and this one is second function. So what we will do here applying integration by part. Applying integration by parts. What we will have now? Our formula is, this is the formula, right? अब आप ये देखो जो हमारा first function है वो क्या है x, और जो हमारा second function है वो क्या है sec square x. Can I say that
आई विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज एस एच एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड sec square x dx and then whole integration. What we will have now I is equal to x sec square x ka integration kya hota hai tan x minus sine of integration x ka derivative kya hoga 1 sec square x ka integration kya hoga tan x aur ye kya ho jayega hamara dx ye clear ho gaya theek hai so I is equal to kya ho jayega x tan x माइनस टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस सी एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके.